तो हो गई हमारी सुनी। अपना रखवाला है राम, तो फिर कोई और किसी से हमें क्या काम जी। वो हमारे रक्षक ही मान लो, भक्षक तो नहीं मानेंगे। सीताराम दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 25 किलोमीटर दूर भीषण घनघोर जंगलों के अंदर। आपको बता दें कि यहाँ पर एक महात्मा पहाड़ की गुफा में रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं, तो आज आपको उनकी गुफा में ले जाएंगे और दिखाएंगे कि महाराज जी किस तरह से भजन साधना करते हैं और किस तरह से अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं और किस तरह से। अब यहाँ से सीधा नीचे की ओर उतरना होता है। देखिए किस तरह की बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, यहाँ से कैसे जाना होता है। यहाँ से उतरना इतना आसान भी नहीं है। फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कंदरा के बाहर तक आ गए हैं, वो महाराज जी सामने दिखाई दे रहे हैं। सीताराम महाराज जी, तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बना रहे हैं। महाराज जी क्या बन रहा है आज? आज मूंग की दाल बन रही है। अच्छा जी, और क्या बनेगा महाराज जी? और टिक्कर अपने बस। अच्छा, और क्या बनता है यहाँ? ये चूल्हा है आपका? हाँ जी। और महाराज जी ये प्राइवेट है चूल्हा, वैसे अंदर है हमारी रसोई तो। अच्छा। हाँ वैसे तो अंदर बनता है, पर अपने अभी ठंडी का मौसम है तो बाहर बना लेते हैं। महाराज जी भोजन प्रसाद हो गया अभी? अब चालू हुआ ना चूल्हा, अभी कहाँ से होगा? नहीं, भजन साधना। हाँ कितना अभी पाठ करके निपटे, चूल्हा जलाया बस। अच्छा, 5 मिनट हुआ। अच्छा महाराज जी आपके लिए मैं राशन पानी लाया हूँ, इसमें बहुत धन्यवाद। चावल है और इसमें आटा है, अरहर की दाल है महाराज जी, और आलू भी ले आया हूँ, और इसमें तेल है अपना जो यहीं पहुँचा देता है, नमक टमाटर। ये जो गुरु यहाँ पहुँचा देता है वही अपन लेते हैं, नहीं तो दान दक्षिणा तो लेते नहीं, तुमको पता है। हाँ पता है महाराज, आप पैसा बिल्कुल नहीं लेते। पैसा यहाँ कभी लिया ही नहीं गया है जी, 60 साल हो गई जी। राशन पानी जो आ जाता है वो ले लेते हैं। और बोलते किसी से नहीं कि लाना भाई हमारे लिए ये लाना के वो लाना, अपनी फरमाश कभी किसी से नहीं किया आज तक। तो महाराज जी जैसे कि राशन पानी लेते हैं, पैसा रुपया क्यों नहीं लेते हैं सर? पैसा रुपया की क्या हमें जरूरत का है यहाँ, बताओ ना। पैसा रखेंगे फिर हमको वो भजन नहीं करने देगी, माया आएगी तो नचाती है माया तो जी। क्यों जी, पैसा आएगा तो वो लगा रहेगा भी, खर्चा कहाँ करने जाए, फिर हनुमान धारा भगेंगे कहीं, जानकी कुंड भगेंगे, पैसा आएगा जी। कुछ लेता नहीं तो अपने टिक्कर बना के अभी फिर एक आध घंटा आराम करके भजन करते हैं। जब महाराज जी राशन पानी खत्म हो गया तो अपने गाँव से आटा मांग लाते हैं, गाँव है ना ऊपर पुखरवार जी, तो बस वहाँ से आटा मांग लाते हैं बस, और कुछ वहाँ से हम लेते नहीं है। अच्छा, दूध घी कभी लेते नहीं, तेल लेते खाली, आटा नमक का हमारा आदेश है बड़े लोगों का। अच्छा, हमारे गुरु बाबा के तुम आटा और नमक मांग सकते हो जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा महाराज जी, उन्होंने भी यही मांगा शुरू से, जो 60 साल से यहाँ रहे ना पहले जी, तो उनका भी हमारा यही रूल शुरू से चले आया है जब से हमारे गुरु बाबा यहाँ रहे। काफी बीहड़ घनघोर जंगल है महाराज जी, यहाँ जानवर परेशान नहीं करते? जानवर तो अब कौन परेशान करेगा, जब अपना रखवाला है राम तो फिर कोई और किसी से हमें क्या काम जी। वो हमारे रक्षक ही मान लो, भक्षक तो नहीं मानेंगे हम उन्हें, क्योंकि वो हमारी रक्षा ही करते हैं ज़्यादातर जी। खूब आते हैं यहाँ, घूमते रहते हैं पानी पीने, क्योंकि इधर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है इधर और जंगल में जी, तो यही धारा की स्रोत है, तो यही पानी पीने आते हैं सारे जानवर। अच्छा। गर्मियों में ज़्यादा आते हैं जी। ये भी तो बचा के रखना पड़ता है, सब आइटम नहीं बंदर ले जाते। अच्छा बंदर आ जाते हैं महाराज जी? बंदर यहाँ बहुत, नाम ही इसका बंदर चुई है। हाँ हाँ, तो बंदर यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं, कभी कभी अभी चले गए घूमने। हाँ अच्छा। पता नहीं कब आ जाए, कभी कभी तो हमारी रोटी ही ले जाते हैं। अच्छा महाराज जी, और क्या बनाते। महाराज जी आप यही चट्टान के नीचे ही रहते हैं? बस यही है अपना जो है आशियाना, और ये इधर आपका बैठ का बना है जी, इसको बोलते हैं हम लोगों की भाषा मचान। मचान बोलते हैं महाराज जी। अच्छा,
मचान बोलते हैं हम लोग इसको। जी ये दोस्तों कंदरा है, गुफा है जहाँ पर महाराज जी अपना रहते हैं और गुफा के बगल से ही महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। आप देख सकते हैं महाराज जी का इस तरह का चूल्हा है और यहीं पर महाराज जी का बैठका भी है, बर्तन वगैरह भी यहीं पर रखते हैं। इधर महाराज जी की दाल पक रही है और महाराज जी अपना इधर आटा लगा रहे हैं, टिक्कड़ बनाएंगे। दाल तो हो गई हमारी, दाल तो पक गई है। पक गई महाराज जी? हाँ, जैसे यहाँ बना दिया ना। हाँ हाँ, और हाथ धोने चले गए वहाँ तक। हाँ, तो इतनी में ले गए वो। अब लगाओ तुम हिसाब। खतरा काफी है महाराज जी बंदरों से। बंदरों से तो अब इतना है कि हम ही जानते। फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कड़ बनने लगे हैं, आप देखिए। अभी इसी बनते हैं, हाथ के टिक्कर हैं अपने, काफी मोटे मोटे टिक्कर बनते हैं महाराज जी। अभी मोटे कहाँ हैं, अभी तो सादा हैं। अच्छा, अभी और मोटे बनाते हैं? और इससे भी मोटे बनाते हैं हम तो, आज तो इस वजह से इतने टिक्कर के हम बनाते हैं, 5 टिक्कर इतने आटा के। अच्छा महाराज जी, बस 2.5 टिक्कर अभी खा लेते हैं, 2.5 शाम को। 24 घंटे में एक बार बनता है महाराज जी? बस एक बार। रोटी बनाते रहेंगे तो फिर भजन कब करेंगे, क्यों जी? जी जी, इस वजह से भजन भी तो करना पड़े। 24 घंटे में एक बार जलता है अपना चूल्हा बस। फकड़ों का टिक्कर है। अच्छा, फकड़ों के टिक्कर इसी तरह महाराज जी बनते हैं? फकड़ बाबाओं का यही है, कहाँ और सब बेलना लगाएंगे। पर तुम घर की रोटी खाते हो, इसको रोटी खा के देखना जी, तो स्वाद बताना कि ये क्या है और वो क्या है। ये देखे दोस्तों महाराज जी के टिक्कर, खरे खरे टिक्कर दिख रहे हैं। ये अगेन से फूल रहे, देखो जी। काफी खरे हैं महाराज जी। ऐसे ही सेकते हैं, खरे ही तो सेकना चाहिए टिक्कर, क्यों? हाँ हाँ, टिक्कर सेकेगा नहीं तो फिर कच्चा रहेगा तो नुकसान करेगा, सेक जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा जी। महाराज जी ये बगल में क्या बना है, पटिया के नीचे क्या बना है? ये भट्टी बनी है, ये दोनों गुरुपूर्णिमा को भंडारा होता है ना यहाँ। अच्छा जी, ये भी है? हाँ, ये भी भट्टी है, गुरुपूर्णिमा को भंडारा करते हैं शुद्ध घी का, बढ़िया देसी घी का। महाराज जी हमारे यहाँ देसी घी चलता है, डालडा रिफाइंड नहीं चलता कभी। अच्छा, तो भंडारे में महाराज जी संत महात्मा आते होंगे? संत महात्मा तो कम आते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है इधर। पहले क्या है, यहाँ आदिवासियों भीलों का इलाका था तो इन्हें खिलाने के लिए गांव वाले आते हैं। अच्छा, इनको खिलाने का उद्देश्य रहता है मेन, जैसे भंडारा करना है साधु संतों का तो यहाँ कौन आएगा। हाँ, नीचे करते हैं फिर। अच्छा,
पहले महाराज जी रहते थे ना हमारे, हाँ टाटी घाट करते थे भंडारा वहाँ जाके। अच्छा, तो यहाँ आदिवासी कोल भील, हाँ ये तो इन लोगों को खिलाने का उद्देश्य रहता है अपना। अच्छा महाराज, इनको प्रसादी पवाए। हाँ, तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी इस तरह के पहाड़ों में रहते हैं और भजन साधना करते हैं और किस तरह से अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। दोस्तों यदि आप संतों की सेवा करना चाहें, उनके भोजन प्रसाद के लिए कोई कुटीर निर्माण के लिए सेवा भेजना चाहें, तो आप हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं अथवा QR कोड से भेज सकते हैं। संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।